प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्लास नाइन्थ, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन अ लाइन सेगमेंट ABC। AD, BC, ओके। AD एंड BC बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, पहली बात तो ये। सेकंड, कि ये परपेंडिकुलर भी है, किसके ऊपर? AB के ऊपर। AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है, ये गिवन है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या कर रही है? AB को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स BO इज इक्वल टू OA। बाइसेक्ट करना मतलब बिल्कुल बीच में से काटना, इसका मतलब O मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। इट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी दिस क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो। एक रेखा खंड AB पर, ये रहा AB, AD और BC, ये देखो AD और ये BC, ठीक है। दो बराबर लंब रेखा खंड है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दर्शाइए कि CD रेखा खंड AB को सम विभाजित करता है, यानी कि OBA का मध्य बिंदु होना चाहिए। अब बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को भी, मैंने अभी 7th चैप्टर जो है ना, एक्सरसाइज 1, तो मैंने पूरी सॉल्व भी करके रखी है, जिससे कि टाइम भी सेव हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। चलिए देखते हैं, इन्होंने जो भी दिया, क्या क्या दिया वो हमने लिख दिया। ABC, ये सब परपेंडिकुलर सब हमने लिख दिया, ठीक है। बताना क्या है वो भी लिख दिया। मेन बात पर आओ। मेन बात ये है बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं सर्वांग समता, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी, यानी कुल मिलाकर दो ट्राइंगल तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये दिख रहे हैं मुझे दो ट्राइंगल। उसके बाद कौन सा रूल लगेगा वो देखना है। दो चीज़ें इन्होंने बता दी, जैसे कि मैंने अपर ट्राइंगल लिया, अपर ट्राइंगल का नाम मैं बोलती हूँ OBC, और लोअर ट्राइंगल का मैं बोल देती हूँ OAD, ठीक है। OBC OAD, ओके। इसमें देखो BC इक्वल है किसके? AD के। एक चीज़ हो गई, ये 90, तो ये भी 90, ये भी हो गई। दो चीज़ें उन्होंने दी, वो तो हो गई। अब बच्चों तीसरी क्या की जाए, एक चीज़ तो और चाहिए। चाहे आप SAS लगा लो, चाहे आप ASA लगा लो, है ना, लेकिन आपको वो तो चाहिए। क्या चाहिए? तीसरी चीज़। इसके लिए अगर आप गौर से देखो तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? ये इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। तो AAS यहाँ पर अप्लाई हो गई, AAS हो गई ना बेटा, AAS अप्लाई हो गई। तो बाय AAS रूल लगा दिया, तो AAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT के द्वारा OB इज इक्वल टू OA, OB और OA इक्वल आ गई, OB और OA इक्वल आ गई। इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। O AB का मध्य बिंदु है, अर्थात ये जो CD है, CD ने AB को बिल्कुल मध्य बिंदु पर काटा है, मिड पॉइंट पर काटा है। इसका मतलब CD bisects AB, ठीक है। CD bisects AB, got it? हो गया, देख लीजिए। वी कैन से दैट CD bisects AB, हम कह सकते हैं कि CD AB को सम विभाजित करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा L और M। देखो बच्चों, L और M देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ये P है और ये Q है, ये आपस में समांतर हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसे होंगे? सर्वांग सम। बहुत सिंपल है ये तो, मतलब देखने से ही आ जाए, इतना सिंपल है। ये देखिए आप इंग्लिश मीडियम बुक में, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। पहले इसमें देख लें, जरा देखो कितने अच्छे से समझ में आएगा।
ये पैरेलल है, और AC को ट्रांसवर्सल ले लो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, कौन कौन सी, P और Q पैरेलल हैं, AC कैसी है, ट्रांसवर्सल, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब ले लो आप L और M को पैरेलल, L इज पैरेलल टू M, अब की बार फिर से AC ही ट्रांसवर्सल है, तो इस बार ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, AC तो कॉमन है, तो ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ACB को लिया जाए, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया जाए, ठीक है। तो AC कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कौन सी अप्लाई हो गई, ASA, गॉट इट, ASA अप्लाई हो गई, और ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। देख लो कितना सिंपल था ये। अब इसको यहाँ पर लिख कर दिखाया है, ये दिए है, ये दी है, शो करना है। इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मुझे लग रहा है एक चीज़ बढ़ा देनी चाहिए, BAC इज इक्वल टू ACD, इसका रीज़न थोड़ा सा बढ़ा दो आप, रीज़न इसका लिख दो P इज पैरेलल टू Q, बस इतना और लिख दो, P और Q पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल ऑटोमेटिकली है, तब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और BCA ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों है, यहाँ पर लिख दो आप L इज पैरेलल टू M, ये इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये इसलिए कि ये दोनों पैरेलल है। AC तो कॉमन साइड हो गई, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हेयर इज द क्वेश्चन, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, ये देखो एक एंगल A चुपचाप बैठा हुआ था, लाके लाइन L ने उसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। बाइसेक्ट क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, L के ऊपर B कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, ठीक है। और भी है भाई, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, B से ये जो एंगल A की आर्म्स है ना, आर्म्स इनके ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए, तो ये परपेंडिकुलर का नाम है BP और इसका नाम है BQ, ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है, वो बोल रहे हैं हमने नहीं किया, ये इक्वल है, सॉरी, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होंगे, बस उन्होंने ये बता दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। क्या क्या चीज़ें बता दी, एक तो ये बता दिया कि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल बराबर, और क्या बता दिया कि ये एंगल दोनों 90 के हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90, दो चीज़ें बता दी। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और फिर ये तो बेटा CPCT से हो ही जाता है ना, BP इज इक्वल टू BQ, और BP और BQ अगर इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, इसका मतलब ये जो B पॉइंट है ना, ये एंगल A की आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें अब हमें बतानी है, हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, दर्शाइए कि ये दो चीज़ें, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ दिया है, इसे देखिए, ये रहा गिवन, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, गॉट इट। नाउ BP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये CD मैंने अपने मन से नाम लिख लिया, उन्होंने तो नहीं दिए थे, एंड BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AD, टू शो, एक तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि B बिंदु कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है।
प्रूफ शुरू करते हैं। शुरू यहाँ से बाद में, यहाँ से देख लो कितना सिंपल है। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, एक एंगल तो मिल गया। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये भी मिल गया। अच्छा ए बी कॉमन है कि नहीं, है ना, ए बी ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी है, कॉमन हो गई। तो कौन सी वाली अप्लाई हो गई यहाँ पर, ए ए एस अप्लाई हो गई, ए ए एस हो गई ना, तो ए ए एस अप्लाई हो गई। बस उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब लिखने का प्रोसीजर देख लो, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, यानी कि त्रिभुज ये और ये में, ए पी बी और ए क्यू बी में, क्यू ए बी और पी ए बी इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल कोण ए की समद्विभाजक है, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि दिया है, ए बी और ए बी इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉमन है, है ना। तो ऐसे ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो गया, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, बाय सी पी सी टी, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए बाय सी पी सी टी, देयर फोर बाय सी पी सी टी इक्वल होंगे। अतः बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी कि पॉइंट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चंस वी विल टेक इन माय इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।